हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। मैं हूं दीप। और फ्रेंड्स, आज का वीडियो है ऑनर ने जो दो फोन लॉन्च किया है, एक्चुअली एक फोन तो लॉन्च कर दिया है जिसका नाम है ऑनर व्यू 10 और एक फोन जो ऑनर 9 लाइट नाम के रूप से जाना जाता है, वो फोन फ्लिपकार्ट पे कमिंग सून है। तो फिर फ्रेंड्स, क्या ये दो फोन अपने प्राइस को जस्टिफाई करते हैं और फ्रेंड्स, क्या आपको इस प्राइस में ये फोन लेना चाहिए, आज का वीडियो है इसके ऊपर। तो फ्रेंड्स, चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो फिर फ्रेंड्स, पहले आते हैं ऑनर 9 लाइट फोन के ऊपर। फ्रेंड्स, ये फोन इंडिया में 10,999 में जो 3GB 32GB वेरिएंट थे और जो 4GB 64GB वेरिएंट है वो 14,999 में लॉन्च होने वाला है। तो फिर फ्रेंड्स, ये फोन के स्पेसिफिकेशन क्या क्या है। फ्रेंड्स, इस फोन में आपको 5.65 इंच का एक 18:9 डिस्प्ले मिलता है जिसका रेजोल्यूशन है फुल एचडी प्लस। इसमें आपको क्वाड कैमरास मिलते हैं, यही इस फोन के मेन फीचर है। जैसे कि क्वाड कैमरास का मतलब है आपको रियर में दो कैमरा जिसका मेगापिक्सल है 13+2 और फ्रंट में भी दो कैमरा जिसका मेगापिक्सल है 13+2। और फ्रेंड्स, इस फोन में क्रिन 659 प्रोसेसर की यूज किया गया है। हाँ फ्रेंड्स, ये प्रोसेसर वही प्रोसेसर है जो प्रोसेसर ऑनर 6X में ऑनर ने यूज किया था और इसका जीपीयू भी चेंज नहीं हुआ है। और फ्रेंड्स, इस फोन में आपको 3000 mAh की बैटरी मिलती है। और फ्रेंड्स, इस फोन में आपको जो सिम कार्ड का जो स्लॉट मिलता है वो है हाइब्रिड स्लॉट जिसको आप 256GB के ऊपर एक्सपेंड कर सकते हैं। फ्रेंड्स, आपको तो इस फोन में सभी बेसिक सेंसर्स मिल जाते हैं। और फ्रेंड्स, ये फोन एंड्रॉइड वर्जन 8.0 यानी कि ओरियो के साथ लॉन्च हुआ है। फ्रेंड्स, तो फिर इसमें गूगल का जो प्रोजेक्ट ट्रेवल है उसका सपोर्ट तो होगा। और फ्रेंड्स, ये भी देखने की बात है कि इसमें कितने फ्रीक्वेंट आपको वॉइस का अपडेट मिलता है। फ्रेंड्स, इस फोन का तो प्राइस मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि 3GB 32GB का है 10,999 और 4GB 64GB का है 14,999। फ्रेंड्स, यहाँ पे ही मुझे ऐतराज है, यानी कि आप देखिए कि आपको 4,000 रुपए एक्स्ट्रा देके आपको क्या मिल रहा है, सिर्फ 1GB एक्सपेंडेबल रैम और 32GB एक्स्ट्रा स्टोरेज। क्या ये 1GB एक्स्ट्रा रैम और 32GB एक्स्ट्रा स्टोरेज ये 4,000 रुपए के प्राइस को जस्टिफाई करता है। मेरे ख्याल से ऑनर ने अपने 9 लाइट के 4GB 64GB वेरिएंट को अगर थोड़ा सा कम प्राइस यानी कि 12-13 हजार में लॉन्च किया हुआ होता तो फिर ये ठीक था, लेकिन ऑनर ने अपने 4GB 64GB वेरिएंट का प्राइस कुछ ज्यादा ही रखा है। और फ्रेंड्स, अब आते हैं इसके कैमरा की बात पे। फ्रेंड्स, इसमें जो रियर कैमरा है वो है 13+2। फ्रेंड्स, मैंने ऑनर के ज्यादातर फोन में ही देखा है कि ऑनर के जो जो फोन 13+2 रियर कैमरा के साथ लॉन्च होता है उसमें जो ये 2 MP का जो डेप्थ सेंसर है इसमें आपको जो पोर्ट्रेट मोड मिलता है वो थोड़ा ज्यादा ही आर्टिफिशियल लगता है, यानी कि लगता है आपके कटआउट को कहीं से आके यहाँ पे बिठा दिया है, उसका ब्लर एकदम अननेचुरल आता है। लेकिन हाँ, सेल्फी में तो ये ठीक ठाक परफॉर्म कर जाता है, लेकिन जब रियर कैमरा में पोर्ट्रेट की बात आती है तभी कुछ गड़बड़ कर देता है। तो फिर फ्रेंड्स, मैं ये 13+2 ये कैमरा कॉम्बिनेशन को ज्यादा प्रेफर नहीं करता। और फ्रेंड्स, सब तो आपके ऊपर है कि आप ये फोन ले कि ना ले, मैंने जरा बता दिया कि इसमें क्या क्या ड्रॉबैक्स है। फ्रेंड्स, अब आते हैं ऑनर व्यू 10 फोन की बात पे। फ्रेंड्स, इस फोन को आप ऑनर का फ्लैगशिप भी कह सकते हैं। ये फोन 6GB रैम और 128GB इंटरनल स्टोरेज के साथ लॉन्च हुआ है। इसमें आपको 5.99 इंच यानी कि लगभग 6 इंच का ही एक फुल एचडी प्लस रेजोल्यूशन का डिस्प्ले मिलता है जिसका एस्पेक्ट रेशियो है 18:9। और फ्रेंड्स, इसमें आपको क्रिन 970 प्रोसेसर मिलता है जिसमें 4 कोर से कॉर्टेक्स A70 ट्रू बेस और 4 कोर से पावर एफिशिएंट कॉर्टेक्स A53 बेस। और फ्रेंड्स, इस फोन में आपको रियर में डुअल कैमरा मिलता है जिसका एक का मेगापिक्सल काउंट है 16 और एक का मेगापिक्सल काउंट है 20। और फ्रेंड्स, इसमें जो 20 MP का कैमरा है वो फ्रेंड्स एक मोनोक्रोम सेंसर है। और फ्रेंड्स, इसमें आपको फ्रंट में जो कैमरा मिलता है उसका मेगापिक्सल काउंट है 13। इसमें आपको 3750 mAh का नॉन रिमूवेबल बैटरी मिलता है। और फ्रेंड्स, इस फोन के साथ आपको IR ब्लास्टर भी मिलता है। ऑनर का जो ये 970 जो प्रोसेसर है ये एक AI पावर्ड चिपसेट है। तो फ्रेंड्स, इसमें आप रियर कैमरा से पोर्ट्रेट खींचने के बाद जो ब्लर है उसको आप एडजस्ट कर सकते हैं। फ्रेंड्स, ये फोन एंड्रॉयड ओरियो के साथ लॉन्च हुआ है। और फ्रेंड्स, इसमें आपको जो सिम का स्लॉट मिलता है वो हाइब्रिड स्लॉट है जिसमें
आप चाहे तो दो नैनो सिम या फिर एक सिम या फिर एक एसडी कार्ड लगा सकते हैं। ये फोन इंडिया में 29,999 के प्राइस टैग के साथ लॉन्च हुआ है। फ्रेंड्स, इस प्राइस रेंज में इस फोन का जो सीधा सीधा कॉम्बिनेशन निकल के आता है वो है OnePlus 5T, जो इस बजट में किंग बनकर बैठा है। फ्रेंड्स, OnePlus 5T का जो 8GB 128GB का वेरिएंट है उसका प्राइस है 38,999, यानी कि 9,000 रुपए ज्यादा। और फ्रेंड्स, 8GB रैम अभी तो फोन के हिसाब से कुछ ज्यादा ही है। फ्रेंड्स, तो फिर आप 9,000 रुपए कम खर्च करके OnePlus View 10 को जरूर जरूर कंसीडर कर सकते हैं, क्योंकि ये इस प्राइस रेंज में एक बहुत ही अच्छा फोन निकल के आता है। सो फ्रेंड्स, उम्मीद है आपको Honor 9 Lite और Honor View 10 के ऊपर ये वीडियो पसंद आया होगा, और ऐसे ही वीडियोस आगे भी देखते रहने के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, और अगले में आपको कौन सा वीडियो चाहिए वो भी आप नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। सो फ्रेंड्स, बाय।